जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला शिक्षिका की मौत, बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांच जारी, दो शिक्षिकाओं को ट्रक ने रौंदा, एक की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। रफ्तार की कार ने आज फिर बलौद में एक शिक्षिका की जिंदगी छीन ली, वहीं एक अन्य शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि यहां तेज रफ्तार ट्रक ने गुरूर से बलौदा जा रही स्कूटी सवार दो शिक्षिका को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नीता बघेल और मीना साहू दोनों बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांच करने के लिए बलौद जा रही थी, तभी ग्राम भरदा में हनुमान मंदिर के सामने स्कूटी सवार दोनों शिक्षिकाओं को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षिका नीता बघेल स्कूटी से गिरकर ट्रक के चक्के के नीचे आ गई, इससे उनका सिर और धड़ बुरी तरह से कुचल गया। इससे नीता बघेल की मौके स्थल पर मौत हो गई, वहीं दूसरी शिक्षिका मीना साहू गंभीर रूप से घायल हो गई है। लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल शिक्षिका को गुरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृत शिक्षिका नीता बघेल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दोनों शिक्षिकाओं के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।